इंडियन आइडल फैंस के लिए एक बड़ी खबर। जी हाँ, इंडियन आइडल 12 की जो शूटिंग है वो महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन होने के कारण दमन में पिछले 4 हफ्तों से चल रही थी, और इसी वजह से आपने क्योंकि बायो बबल में थी पूरी टीम की शूटिंग बायो बबल में हो रही थी, इसीलिए आपने विशाल ददलानी जो है शो के जज, उन्हें वहां पर नहीं देखा क्योंकि वो दमन नहीं जाना चाह रहे थे। नेहा कक्कर जो है वो भी 2 एपिसोड की शूटिंग के लिए मिसिंग थी, साथ ही हिमेश रेशमिया ने भी कुछ एपिसोड की शूटिंग नहीं की। लेकिन अब दोस्तों, इंडियन आइडल के शो से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। शो की शूटिंग जो है वो अब दमन में भी खत्म हो चुकी है, दमन में भी अब शो की शूटिंग नहीं होने वाली। क्या है पूरा मामला, चलिए आपके सामने रखती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं हूँ नित्यांशी और इंडियन आइडल 12 की शूटिंग से जुड़ी बड़ी खबर लेकर आई हूँ आपके लिए। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और अगर आप चाहें तो मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट एंकर नित्यांशी पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इंडियन आइडल 12 की शूटिंग के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 हफ्तों तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन के चलते दमन में शूटिंग चली, लेकिन अब वहां पर भी शूटिंग बंद हो चुकी है, और जो पूरी टीम है वो दमन में शूटिंग कंप्लीट करने के बाद मुंबई भी लौट चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको बता दें तो क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन था, इसलिए जितनी भी शूटिंग दमन में हुई, बायो बबल में हुई, लोग वहां पर, आदित्य नारायण ने एक मीडिया पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो 4-4 दिन में 8-8 दिन की शूटिंग करते थे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां पर उन्हें एपिसोड्स का बैंक बनाने के लिए, कि शूटिंग खत्म करने के बाद जब वो मुंबई लौटे उसके बाद प्रोड्यूसर्स पर नए एपिसोड्स को लेकर कोई प्रेशर ना बने, इस वजह से उन्होंने वहां पर कितने सारे एपिसोड्स की बैक टू बैक शूटिंग की होगी। ऐसे में अब जब शूटिंग खत्म हो चुकी है, सब मुंबई वापस आ चुके हैं, और मुंबई में वापस आने के बाद अब शूटिंग तभी शुरू होगी जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से उन्हें कोई और रूल या लॉ जो है वो सामने आएगा शूटिंग को लेकर। तो ये है वो अपडेट, और इस पर आप कैसे रिएक्ट करना चाहते हैं शेयर जरूर करें।